बच्चों, आज हम बात करेंगे साइंस लेसन वन के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की, हमारे आसपास के पदार्थ उसके जो लेसन वन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसा कि आपको ज्ञात है 20 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव आते हैं एग्जाम में, तो उन्हीं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की आज हम बात करेंगे लेसन वन में। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, द्रव्यमान तथा भार में क्या संबंध होता है। द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान होता है पदार्थ में, पदार्थ की जितनी मात्रा है वस्तु में। द्रव्यमान का मतलब है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। और भार क्या होता है? भार एक बल है, यानी कि जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, ये उस बल है। गुरुत्वाकर्षण एक बल है। तो भार वो बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। द्रव्यमान पदार्थ में, पदार्थ की जो मात्रा है वस्तु में, दोनों में संबंध क्या है? द्रव्यमान को हम m से डिनोट करते हैं और भार को w से। द्रव्यमान में यदि हम गुरुत्वीय त्वरण से गुणा कर दें तो हमको भार मिल जाता है, यानी w बराबर m द्रव्यमान, और उसमें यदि हम g गुरुत्वीय त्वरण से गुणा कर दें तो हमको उसका भार प्राप्त हो जाता है। तो इसका सही जवाब होगा W बराबर एम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्न में से किसकी आकृति व आयतन दोनों निश्चित होते हैं? यानी कि ठोस, द्रव, गैस, जो तीन अवस्थाएं आपने पढ़ रखी हैं, तो ठोस में आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। तो इनमें से हमारा ठोस कौन सा है? जल हमारा द्रव है, वायु गैस है, पारा भी हमारा लिक्विड है, और लोहा, लोहा हमारा ठोस है, यानी इसमें इसका आकृति और आयतन दोनों निश्चित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिश्चित आकार वाले पदार्थ। देखिए, अनिश्चित आकार का मतलब है कि उनको हम जिस बर्तन में रखेंगे उसी का आकार ग्रहण कर लेंगे। तो इसमें आपका द्रव लिक्विड भी आ जाएगा, ये लिक्विड को भी जिसमें हम रखते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेता है, और गैस, गैस भी जिसमें हम भरते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। तो इसमें ऑप्शन गैस तथा द्रव, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ के तभी आप उसको आंसर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतराणविक आकर्षण बल प्रबल। अंतराणविक आकर्षण का बल का मतलब होता है कि पदार्थ के कणों के बीच लगने वाला बल अंतराणविक आकर्षण बल कहलाता है। जो उसके अणु हैं उनके बीच में जो आकर्षण बल कार्य करता है वो अंतराणविक आकर्षण बल कहलाता है। सबसे अधिक प्रबलतम मतलब सबसे अधिक किसमें होता है? भाई ठोस है, ठोस के कण बिल्कुल पास पास होते हैं, द्रव के थोड़ा दूर दूर, गैस के बहुत दूर दूर। तो जिसके कण बिल्कुल पास पास हैं उसमें अधिक आकर्षण बल लगेगा, यानी ठोस, ठोस का आकर्षण बल सबसे अधिक होगा। नेक्स्ट है, ताप में वृद्धि करने से अधिक प्रसार होता है। जब भी हम किसी वस्तु का ताप बढ़ाते हैं तो प्रसार तो सारी वस्तुओं में होता है, लेकिन यह प्रसार गैस में सबसे ज्यादा, द्रव में उससे कम, और ठोस में सबसे कम। तो सबसे अधिक प्रसार होता है गैस में, गैस में जो है सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम, और सॉलिड में सबसे कम। तो यहां पे ऑप्शन ठोस है, ठोस में सबसे कम, द्रव में उससे ज्यादा, ठोस तथा गैस। गैस अलग से ऑप्शन है नहीं, गैस होता तो गैस सही आंसर होता, यहां पे लिक्विड ऑप्शन दिया रहा है इसलिए लिक्विड होगा। नेक्स्ट है, अणुओं में गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम। गतिज ऊर्जा का मतलब है गति के कारण ऊर्जा, यानी कि जो पदार्थ के कण हैं वो लगातार मोशन करते रहते हैं, तो मोशन सबसे ज्यादा जिसमें होगा उसी में सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा होगी। ठोस के कण तो बिल्कुल चल नहीं सकते हैं, यानी उनकी सबसे कम गतिज ऊर्जा। द्रव के कण एक दूसरे के ऊपर फिसलते हुए चलते रहते हैं, यानी उससे थोड़ा ज्यादा। गैस के कण बिल्कुल फ्रीली मोशन करते रहते हैं, यानी गैस की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है, यानी गैस की सबसे ज्यादा और द्रव की उससे कम, ठोस की सबसे कम, यानी इसका यह ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में हाइड्रोजन गैस के अणुओं में दूरी बढ़ जाएगी? दूरी बढ़ जाएगी का मतलब है अणुओं के बीच की दूरी। बंद बर्तन में हाइड्रोजन पर दाब बढ़ाने पर, भाई दाब बढ़ा दोगे, जैसे एक पिस्टन है आपका, इसमें आपका ये पिस्टन लगा हुआ है, तो इसको यदि हम नीचे की ओर दबा देंगे तो जगह और कम हो जाएगी, तो और पास पास आ जाएंगे। कुछ गैस निकालने पर, कुछ गैस हाँ निकाल लेते हो तो थोड़ा सा इसमें बढ़ सकता है, लेकिन हाइड्रोजन गैस के बर्तन का आयतन
बढ़ाने पर। आयतन का मतलब है उसको हमने बड़ा बर्तन ले लिया, बड़ा बर्तन ले लिया तो ज्यादा जगह मिल जाएगी, तो आराम से दूर दूर हो जाएंगे। बर्तन का आयतन बढ़ाए बिना और अधिक हाइड्रोजन डालना, हाइड्रोजन उसमें और डाल दोगे तो पास पास आ जाएंगे। तो इसका जो सही जवाब होगा, हाइड्रोजन गैस के बर्तन का आयतन बढ़ाने पर, आयतन बढ़ाने से क्या होगा, उसके कण दूर दूर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कांच के ग्लास में गर्म पानी लेकर रेफ्रिजरेटर के फ्रीज में रखा है, मतलब पानी हमने फ्रीज रेफ्रिजरेटर में रख दिया, उसका टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस से कम है, ताप है, टेम्परेचर इज लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस। यदि गिलास के पानी का ताप मापते हैं तो उनमें से कौन सा ग्राफ ताप परिवर्तन को बताएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पहले उसका कोई ना कोई ताप रहा होगा, मान लीजिए उसका ताप 30 डिग्री सेल्सियस था, रूम टेम्परेचर पे था, तो पहले तो उसका सीधे टेम्परेचर गिरता जाएगा, गिरता जाएगा, सभी में गिर रहा है तो। लेकिन जैसे ही जीरो पे पहुंचेगा तो क्या होगा, जीरो से नीचे नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि पानी का ये हिमांक है, यानी यहां पे जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा तो पानी क्या होगा, बर्फ में बदलना शुरू हो जाएगा, तुरंत ही वो बर्फ में, और उसका 0 डिग्री सेल्सियस ही ताप तब तक रहेगा जब तक कि वो पूरा पूरा बर्फ में नहीं बदल जाता। और बर्फ का जो ताप है, एक बार बर्फ में कन्वर्ट हो गया सॉलिड में, तो फिर उसका 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, क्योंकि उसका ताप वही गलनांक भी है, वही हिमांक भी है। तो इसका जो ग्राफ होगा वो इसमें तो 0 से नीचे भी जा रहा है, नेक्स्ट इसमें दिखा रहा है कि यहां तक आया और फिर यहीं पे रुक गया 0 पे, यहां दिखा रहा है 0 से सीधे चलता चला गया, तो सीधे तो नीचे नहीं जा सकता, पहले तो वो बर्फ में कन्वर्ट होगा, यहां कह रहा पहले 0 तक आया फिर बढ़ गया, तो तीनों ऑप्शन सही नहीं है, इसका सही जो ऑप्शन है वो है वी। नेक्स्ट है, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब, वाष्प दाब का मतलब वाष्प में परिवर्तित होने के लिए दाब, यानी कि गैस में परिवर्तित होने के लिए, यानी लिक्विड टू गैस, लिक्विड टू गैस, तो लिक्विड टू गैस में परिवर्तित होने के लिए जो टेम्परेचर जरूरी होता है वो होता है क्वथनांक। ऊर्ध्वपातज वे पदार्थ होते हैं जो गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, चीनी नहीं है ऐसा, नमक भी नहीं, सोडियम क्लोराइड भी नहीं है, अमोनियम क्लोराइड, इसको हम नौसादर भी कहते हैं, ये क्या है, नौसादर, इसको हम नौसादर भी कहते हैं, इसका सूत्र NH4Cl होता है, और ये नौसादर हो गया, कपूर भी होता है, कपूर भी इसी तरीके से, नेफ्थलीन बॉल्स भी हैं वो भी सीधे बदल जाती हैं जो है गैस में। नौसादर और नमक के मिश्रण को पृथक कर सकते हैं, नौसादर हमारा अभी हमने बताया जाना ऊर्ध्वपातज पदार्थ है और नमक, तो इसके लिए जो विधि होती है वो ऊर्ध्वपातन विधि, ऊर्ध्वपातन विधि में क्या करते हैं, गर्म करेंगे तो नौसादर तो वाष्प बन के अलग हो जाएगा और नमक हमारा उसी प्याली में रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सही संबंध क्या है, वाष्पीकरण इज इक्वल टू वाष्पन प्लस संघनन, नहीं, वाष्पीकरण में सीधे वो वाष्पन में हम बदल देते हैं लिक्विड को, वाष्पीकरण क्वथन प्लस संघनन नहीं। आश्वन, आश्वन दो प्रोसेस से मिलकर बनता है, एक तो पहले क्या हम करते हैं, पहले वाष्प में परिवर्तित करते हैं और फिर उसको ठंडा करके फिर से पानी में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, तो आश्वन दो प्रोसेस से मिलकर बना है, क्वथन और संघनन, तो इसका ऑप्शन सी से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट है, कौन सी अवस्था जल का वाष्पीकरण बढ़ा देगी, ये हमने 4 आपको फैक्टर्स बताए थे कि जो वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं, या तो सतही क्षेत्रफल बढ़ जाए, या हवा का बहाव तेज हो, टेम्परेचर का बढ़ना, या फिर आर्द्रता का कम होना, तो यहां पर तापमान बढ़ना, तापमान कम होना, खुली सतह कम करना, नमक का मिलना, तो इसमें तापमान बढ़ना, तापमान बढ़ने से उसका जो वाष्पीकरण है वो बढ़ जाएगा, ये भी NCERT क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से। कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं, निम्न में से द्रव्य नहीं है, द्रव्य मतलब पदार्थ, पदार्थ की परिभाषा बताई थी, 2 चीजें वहां पे होनी चाहिए, एक तो उसमें द्रव्यमान होना चाहिए और दूसरा उसका
आयतन होना चाहिए कुछ न कुछ, यानी वो स्थान घेरता हो। तो लकड़ी, प्रकाश, वायु, लकड़ी पदार्थ है, वायु भी पदार्थ है, प्रकाश, प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, तो प्रकाश इसमें सही जवाब होगा। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, इसको आइंस्टीन ने दिया था, तो ये आइंस्टीन द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण भी कहलाती है। तो ये है ई बराबर एमसी स्क्वायर, ई एनर्जी होता है, ये द्रव्यमान होता है, ये प्रकाश का वेग होता है, प्रकाश का वेग सी, एम जो होता है वो द्रव्यमान है और ई ऊर्जा है। अंतराणविक स्थान अधिकतम होता है, इससे पहले कम आया था, कम सबसे था ठोस में, और सबसे ज्यादा अधिकतम होता है गैस में। नेक्स्ट, बर्फ तथा जल हैं, बर्फ और जल क्या हैं? दो विभिन्न तत्व हैं, एक ही यौगिक की विभिन्न अवस्थाएं हैं, अपर रूप है, एक ही यानी पानी ही बर्फ है और जल, यानी जल बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है, तो एक ही यौगिक की दो अवस्थाएं हैं। गैसी अवस्था के, गैसी अवस्था में कण निश्चित दिशा में गति करते हैं, निश्चित क्रम में, किसी भी दिशा में, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, रेंडम मोशन करते हैं, यानी वो किसी भी डायरेक्शन में गैस के कण चल सकते हैं, उनके लिए कोई क्रम नहीं होता है कि कौन सा कण किधर गति करेगा। जिन ठोस पदार्थों के गलने पर उसके आयतन में वृद्धि होती है, दाब बढ़ने पर उनका गलनांक बढ़ जाता है, यानी बर्फ को यदि हम प्रेशर से दबा दें ऐसे, तो वो जल्दी बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है, स्थान घेरता है, स्थान कौन घेरता है? स्थान सभी घेरते हैं, ठोस, द्रव, गैस। नेक्स्ट, निम्न में से कमरे के ताप पर ठोस रहता है, कमरे के ताप पर ठोस, नाइट्रोजन, ब्रोमीन, हीलियम, पोटेशियम परमैंगनेट, इसमें आपका पोटेशियम परमैंगनेट, ये गैस है, ये भी गैस है, ये गैस है सारी। जल का क्वथनांक जो है 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री पे जम जाता है, 100 डिग्री पे बॉयल होता है। जिन द्रवों का वाष्पन शीघ्रता से होता है, उनकी वाष्पनशीलता अधिक होती है, हाँ वाष्पशीलता अधिक होती है, 10 का ए। नेक्स्ट है, गीले कपड़ों को सूखने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। निम्न में से सत्य कथन है, दाब बढ़ाने पर गलनांक भी बढ़ जाता है, अशुद्धि मिलाने पर ठोस का गलनांक बढ़ जाता है, ढका हुआ द्रव शीघ्रता से वाष्पित होता है, या क्वथनांक पर द्रव का वाष्प दाब बैमली दाब से कम हो होता है। दाब बढ़ाने पर गलनांक भी बढ़ जाता है, इसका बी वाला आंसर सही होगा।